रिश्ता चाहे कितने भी बुरे इंसान से क्यों न हो, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना गंदा क्यों न हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। रिश्ते कभी भी मौकों से नहीं बनते हैं, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता है कहीं इस गलती के चक्कर में हम किसी अपने को ना खो दें। जरूरी नहीं जीवन में बहुत ही ज्यादा रिश्ते बनाया जाए, बल्कि ये जरूरी है कि जीवन अच्छे से गुजारने के लिए जो रिश्ते हैं उसे अच्छे से निभाया जाए। अपने वो नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वो होते हैं जो आपको रोने ही ना दें। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी अपनों से ना लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है, आप किसी के लिए तब तक खास हो जब तक उसको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता है। जो माफी मांगते हैं वो ये साबित नहीं करते कि वो गलत थे या सही, बल्कि उनके रिश्तों को निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा है। ये बात भी सही है कि अपनों के साथ कभी भी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन ये बात भी सच के वक्त के साथ ही अपनों का पता चलता है। रोटी कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना ये बड़ी बात है। जरूरी नहीं हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले, कुछ दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर मानो तो हम सबका एक आत्मा का रिश्ता होता है, और अगर ना मानो तो कौन किसी का। क्या लगता है जब कभी दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो समझ जाओ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। इतना भी आसान नहीं होता। जीवन के हर किरदार को निभा पाना इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए आपकी खुशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कभी भी फुर्सत मिले तो अपने दिल के बात अपनों से कह दिया करो। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। अगर कोई आपसे नाराज है तो कुछ देर चुप रहने के बाद मेल मिलाप कर लिया करो। ज्यादा दिनों तक गलत फहमियों पर बात ना करने से रिश्ते उलझ जाते। जिनके पास अपनों की कोई कमी नहीं वो अक्सर अपनों से लड़ा करते हैं। कोई उनके दिल से पूछे अपनों की अहमियत जो अपनों के लिए तरसते हैं। बेहतरीन रिश्तों को कभी भी शर्तों और वादों की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए बस दो खूबसूरत दिल चाहिए। एक वो जो भरोसा कर सके और दूसरा उसको समझ सके। अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तों को निभाने के दौर में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जिसकी बातें कड़वी हो लेकिन सीख अच्छी हो। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल के जज्बातों की परवाह करता हो। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भुला देते हैं। जिन्हें ये तीन चीजें मिले वो दुनिया में बहुत किस्मत वाले होते हैं। सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। जीवन में अगर रिश्तों को बचाना है तो मुलाकातें जरूरी है। लगाकर भूल जाने से अक्सर पौधे भी मुरझा जाते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जिसमें साथ हो, मुलाकात हो, रोज बात हो, बल्कि रिश्ते वो होते हैं जिनमें चाहे कितनी भी दूरियां हो लेकिन उनके दिल में एक अलग मुकाम हो।
जिंदगी की सच्चाई उस वक्त बदल जाती है जब कोई अपना ही अपने सामने अपना नहीं रहता है। जो लोग छोटी छोटी बातों को दिल में रखते हैं, उनके बड़े से बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। रिश्तों और पैसों की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है, लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल। रिश्ते निभाने के इस दौर में बस वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो जुबान के सच्चे और दिल के साफ होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बचाता है, तो आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बेहतर है। कुछ पल लगते हैं किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसलियां तो देते हैं, बरसात नहीं गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा धैर्य तो रख, जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। चेहरे बदल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, अगर बोलने का ढंग बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान होता है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वह कितनी गहराई तक गया होगा। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहो। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान है। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। बनना है तो किसी के दर्द की दबाव बनो। जख्म तो हर इंसान देता है, दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जो भी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेंगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, एक दूसरे के लिए जीने का नाम है जिंदगी। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। सपना रखो, समुद्र की गहराई छूने की किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब में मेंढकों ने निश्चय किया, क्यों न इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ेगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां कई मेंढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहां एकत्रित हुए। रेस का आरंभ हुआ, चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना मुश्किल है, ये तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता, कभी कोई ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता, वो खंभे के चिकने और काफी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान गई थी, और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसा बार बार सुनकर काफी मेंढक हार मान बैठे, और उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया। अब वो भी उन मेंढकों का साथ देने लगे और जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंभे पर जा पहुंचा। वो भी काफी बार गिरा उठा,
प्रयास किया, तब कहीं जाकर वो सफलतापूर्वक खंबे पर चढ़ा और रेस का विजेता घोषित हुआ। उसको विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि ये असंभव कार्य तुमने कैसे किया, ये तो नामुमकिन था, यहाँ सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताइए। तभी पीछे से एक मेंढक की अफवाह जाए, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके।